जय हिंद। हम आपके लिए आज फिर से लेकर उपस्थित हैं रेखा गणित का एक ऐसा पाठ जिसे शिक्षक बंधु स्टूडेंटों के पास तक कम ही पहुंचाते हैं। आइए देखते हैं प्रमेय नंबर 5 और उसका स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है अथवा इसे ये भी कह सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। आप जानते हैं संपूरक कोण किन्हें कहते हैं? वे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है तो वे एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। वे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है वे कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। तो इसके लिए क्या है, एक चित्र बनाया। वृत्त कवर किया और वृत्त का ये रहा केंद्र ओरिजिन। इसमें बनाने की कोशिश की किसे? चक्री चतुर्भुज को। तो चक्री चतुर्भुज के बारे में यदि आप जानते हैं तो चक्री चतुर्भुज किसे कहते हैं? वो है चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिध पर स्थित हों। ए बी कहीं से भी नाम यहां से डाल सकते, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ए वी सी डी। चक्री चतुर्भुज की पहचान क्या थी? वो है चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिध पर स्थित हो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है, अथवा वो है चतुर्भुज जिसके चारों बिंदुओं से होकर एक वृत्त खींचा जा सके चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। और हमें सिद्ध करना है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो एक बनाया हमने वृत्त बनाया और वृत्त की परिध पर चारों बिंदुओं को लेकर एक चतुर्भुज तैयार किया अब हमें ये क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। डिसाइड करने के लिए किधर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इन्हें इंगित कर देते हैं जिससे किसी भी कोण को नोट करने में प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके से नोट कर दिया। तो ये क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है ए बी सी डी। सिद्ध क्या करना है, इसके कोणों का जो योगफल है ए बी सी डी, इसके सम्मुख कोणों का योगफल। तो ए के सामने तो कौन सा है, सी है, और बी के सामने कोण कौन सा है, तो वो डी है। सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है, अर्थात इसका और इसका योगफल होगा 180 अंश और इसका और इसका योगफल होगा 180 अंश, ये सिद्ध करना है। तो वही आपके लिए फिर से चार हेडिंगें लगाइए आप। क्या नंबर 1 ज्ञात है? क्या ज्ञात है आपको? कि वृत्त के माध्यम से भी कह सकते हो या केवल इतना कह के छोड़ सकते हो, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्यों ऐसा उसने कहा है? ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है तथा उसे भी जोड़ सकते थे, सी ओ आर एक वृत्त है जिसमें ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है तथा सी ओ आर एक वृत्त है। दूसरी हेडिंग क्या है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या? सिद्ध करना है
चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है, अर्थात कोण ए धन कोण सी बराबर 180 अंश या कोण बी धन कोण डी बराबर 180 अंश। यह सिद्ध करना है कि उनके सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब देखते हैं तीसरी हेडिंग, रचना। रचना में किसी की सहायता ली तो सहायता किसकी, सहायता के लिए क्या करेंगे, केंद्र से इसे मिला दिया और केंद्र से इसे मिला दिया, यानी ओबी तथा ओबी तथा ओडी को मिलाया, ओबी तथा ओडी को मिलाया। पॉइंट नंबर चार उपपत्ति, पॉइंट नंबर चार उपपत्ति। उपपत्ति के अंतर्गत क्या क्या आता है, अब पीछे आप पढ़ चुके हैं कि सी चाप द्वारा, जैसे बीडी है कोई चाप, किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का दुगना होता है। तो केंद्र पर यह कोण बना है, परिध पर यह कोण बना है, यहां शब्द भी होता है क्या एकांतर, यानी इधर है तो दूसरा इधर होना चाहिए, कोण का दुगना होता है। तो वही हम पॉइंट नोट कर ले रहे हैं क्या कि हम जानते हैं कि किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिध, कोष्टक में यहां लिख सकते हैं क्या एकांतर, परिध पर बने कोण का दुगना होता है, परिध पर बने कोण का दुगना होता है। किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का दुगना होता है। तो आप अब यहां से देखिए कोण बी ओ डी, आप चाहे तो ऐसा चाप भी लगा सकते हैं क्योंकि बी ओ डी का मतलब इधर वाला कोण, ये तीर के निशान इधर से इधर को जा रहे हैं तो इधर वाला कोण बराबर टू कोण ए, इस वाले का ये कोण होगा वो कैसा होगा, दुगना होगा, समीकरण नंबर एक। पुनः कोण डी ओ बी बराबर, अब जब इधर वाला कोण है केंद्र पर तो परिध का काम ये वाला करेगा टू कोण सी। नंबर दो, समीकरण एक व दो जोड़ने पर, समीकरण एक व दो जोड़ने पर अगर इन समीकरणों को जोड़ते हैं तो आप देख लीजिए इधर वाले इधर लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, कोण बीओडी धन कोण डीओबी टू कोण ए धन टू कोण सी। इसे और इसे चित्र से देखें तो ये चित्र क्या पूरा कवर करता है, ये पूरा कवर करता है, और पूरा चक्कर आप जानते हैं कितने का होता है 360 का, दो ले लिया कॉमन, कोण ए धन कोण सी, दो से ये कट जाएंगे 180 बार, क्या आया कोण ए धन कोण सी बराबर 180 अंश, कोण ए धन कोण सी बराबर 180 अंश। इसी प्रकार कोण बी धन कोण डी बराबर 180 अंश,
और यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। ये अगर इसे भी नोट करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। आप एक शब्द जानते हैं, कोण ए, धन कोण बी, धन कोण सी, धन कोण डी, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360। तो ए धन बी धन सी धन डी ऐसा किया जा सकता है, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर 360। कोण ए धन कोण सी इकट्ठा कर दिया, कोण बी धन कोण डी इकट्ठा कर दिया बराबर 360। इनका मान आपको दिया जा रहा, पहले ही से सिद्ध कर चुके हैं कितना है 180 अंश बराबर 360। कोण बी धन कोण डी बराबर 360 माइनस 180। कोण बी धन कोण डी बराबर कितना बचेगा 180। तो इस तरीके से भी उसे प्रूव्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप जानते ही हैं जब इस प्रकार इन दोनों का आ गया, ऐसे ही चित्र का नाम चेंज करके यहां पर चलो ए डाला या बी डाला या सी डाला या डी डाला, तो बी और डी का भी योगफल कितना आ जाएगा 180 अंश आ जाएगा। तो जो ये पांच प्रमेय हमने आपको नोट कराई हैं, निश्चित रूप से अलग अलग वीडियो प्रोवाइड कराए हैं इनके, और अलग अलग वीडियो ये दर्शा रहे हैं कि आपके इन पॉइंटों के जो थ्योरम के जो स्टेटमेंट हैं उन्हें भी आपको याद कर लेना चाहिए, क्यों इन्हीं पॉइंटों के आधार पर आप जो एक एक नंबर के जो मतलब बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप या चित्र से संबंधित जो प्रश्न दिए जाते हैं उन प्रश्नों के मान भी इन्हीं पॉइंटों के माध्यम से ज्ञात किए जाते हैं। तो आपको इन पॉइंटों को प्रश्न में भी लगाना पड़ेगा। यहां अगर थ्योरम के रूप में आता है, प्रमेय के रूप में आता है, तब तो ये सिस्टम है ही उसे सिद्ध करने का। लेकिन अगर किसी में पूछा जाता है कि जैसे इस प्रकार का चित्र दे दिया आपको, और चित्र देने के बाद ये कोण आपको दिया गया कि ये कोण कितना है, कि ये कोण आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ये कोण 40 डिग्री है, तो आप इस कोण का मान बताइए, तो इस कोण का बताइए, जैसे ही देखेंगे चित्र को तो निश्चित रूप से क्या होगा ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज है, कि चारों बिंदु कहां है परिध पर, जब परिध पर है चक्री चतुर्भुज है तो सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। जैसे ही इसे देगा इसे बता सकते हैं कितना होगा 140 होगा। अगर यहां से यहां डायरेक्ट नहीं आना चाहते हैं तो इससे पहले एक और आप प्रमेय पढ़ चुके हैं, पॉइंट नंबर दो प्रमेय, किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का दुगना होता है, तो ये कितना हो जाएगा 80। जब इधर वाला जब 80 हो जाएगा, पूरा चक्कर होता है 360 का, तो इधर कितना बचेगा 280। अब इसका आधा होता है ये, तो कितना आ जाएगा 140, इस तरीके से निकल आएगा। तो निश्चित रूप से पॉइंट आपको तैयार होने चाहिए, जो पांच पॉइंट है। पॉइंट नंबर एक, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। पॉइंट नंबर दो, किसी चाप द्वारा नहीं कौन सा है पॉइंट नंबर दो है, यदि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। पॉइंट नंबर दो जो लिखाया उसके अनुसार बता रहे, बाकी इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। पॉइंट नंबर तीन, एक ही वृत्त खंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। पॉइंट नंबर चार, किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का दुगना होता है। पॉइंट नंबर पांच, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो ये पांच पॉइंट अगर आपको विधिवत तरीके से तैयार हैं, तो इसके साथ साथ जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उन क्वेश्चनों को आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, और एक एक प्रश्न के चार चार तरीके आपके सामने सॉल्व करने के होते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, ये 40 है तो यहां 80 पर पहुंच गए, ये 280 हो गया, तब आ गए इस पर 140 पर, या ये 40 दिया है ये कितना होगा 140, क्यों सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है, उससे भी इसका मान निकल आया, या ये निकाला इनके माध्यम से ये मान निकाले जा सकते हैं, उसके माध्यम से यहां पहुंचा जा सकता है। तो कई आपके पास कई रूल होते हैं उन्हें उनके मान क्लियर करने के। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रमेय लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।